हैज़ और निफ़ास के मसाइल हैज का लघबी माना होता है किसी चीज का बहना और जारी होना इसी से लफ्स हौज है हौज जिसमें पानी जारी होता है या बहता है शर्य असलाह में हैज उस खून को कहते हैं जो ख़वातीन को हर माह मुकर्र अकात में किसी सबब के बगैर अजखुदाता है एक फितरी तरीका है नफास वो खून है जो औरत के रहम से बच्चे की विलादत के वक्त और उसके बाद कमोबेश चालीस रोज तक खारिज होता है याद रहे कि शरीयत में हैज और नफाज के अहकाम एक जैसे हैं। हैज़ के दिनों की तादाद मुकर नहीं किसी माह कम किसी माह ज्यादा दिन हो सकते हैं इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की आदत मुख्तलिफ हो सकती हैज की इब्तदा हर माह एक ही तारीख पर होना जरूरी नहीं किसी माह देर से और किसी माह जल्दी इब्तिदा हो सकती है मुद्दत हैज हर खातून के लिए अलग-अलग हो सकती है हैज शुरू होने और खत्म होने की उम्र आबो हवा और खवातीन के हालात के पेशे नजर हर मुल्क में मुख़्तलिफ हो सकती है अन आयशा رضی اللہ عنہا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحیزه فترك الصلاه واذا ادبرت

कि नमाज फिर से शुरू कर दी जाए तो इससे क्या पता चलता है जब हैज आए और जब खत्म हो जाए तो जब का मतलब क्या है कि हर एक की आदत मुख्तलिफ हो सकती है हालत हैज में औरत का जिसम और कपड़े दोनों पाक होते हैं यानी जिसमें इसमें कोई बाजाहिर नापाकी नहीं होती मसलन हाथ पाक है अगर औरत आटा गूंधना चाहे तो आटा हाथों से नापाक नहीं हो जाएगा अगर पानी पिए तो उसका बचा हुआ पानी नापाक नहीं होगा अगर किसी चीज को छू ले तो वो चीज नापाक नहीं होगी मसलन वो जमीन पे चल फिर रही है तो जमीन धोने की जरूरत नहीं अगर किसी दीवार को हाथ लगाती तो दीवार धोने की जरूरत नहीं जिस बिस्तर पे सोती है उस बिस्तर को धोने की जरूरत नहीं जो कपड़े पहनती है उन कपड़ों को धोने की जरूरत नहीं इल्ला ये कि कोई जाहिरी नजास्त साथ लग जाए हाइजा के हाथों का खाना

जरत आय फरमाती है कि मैं हैस की हालत में पानी पीती और बर्तन नबी सती आप बर्तन से उसी जगह मुंह रखकर पानी पीते जहाँ से मैंने मुह रखकर पानी पिया होता और बताना क्या मकसूद है इस हदीस को बयान करके के हाजा औरत के लुआब दहन में भी कोई नापाकी नहीं होती इसी तरह हड्डी से गोश्त खाकर नबी अलैहि वसल्लम को देती तो आप उसी जगह से खाते जहां से मैंने खाया होता इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है इसे ये भी पता चलता है कि औरत का बचा हुआ खाना या पीना किसी मर्दानगी के खिलाफ नहीं ये किसी शान के खिलाफ नहीं अल्लाह के वसल्लम की मिसाल इसी वजह से दी गई कि कोई दूसरा खुद को उससे बरतर न समझे अगर वैसे किसी का दिल न मानता हो तो और बात है लेकिन औरत ना तो नापाक चीज है ना हकीर चीज है कि जिसके साथ ऐसा मामला किया जाए अन अन्हा रवाहु मुस्लिम हजरत الله रजियाल عنها फरमाती हैं कि मैं हालत में अलैहि वसल्लम का सर धोया करती थी इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है عنها قالت

व अनफी हजरती रजा फरमाती है अपना सर मेरे नजदीक करते जबकि मैं अपने हजरे में होती क्यूँकि मस्जिद और हजरे के दरम्यान को खास फासला नहीं था बस एक छोटी सी पार्टीशन थी पर्दा जैसे लटका हो जबकि मैं अपने हुज़रे में होती और आप सल्लम के सर में हालत हैज़ में कंगी कर दिया करती इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है इससे क्या पता चलता है जहाँ ये तमाम अमूर की वजाहत की गई कि हालत हैज़ में औरत को हाथ लगाना या औरत का वायस वर्षा शोहर को हाथ लगाना या बच्चों को या किसी भी इंसान से मुसाफा करना तो ये सब चीजें जो हैं, ये जायज है ये जायज़ हैं बजाहिर ये एक नॉर्मल हालत है ऐसे ही है जैसे किसी का वजू ना हो और वो सब काम करता फिर तो नमाज तो नहीं पढ़ सकता लेकिन उसका बाकी जिसम बाहिर नापाकी ना हो तो कोई नापाक नहीं हुआ करता उससे गिन खाना या उससे नफरत करना या उसे अछूत समझ लेना ये इस्लाम में नहीं है दूसरी चीज यहां से ये पता चलती है कि एक शोहर और बीवी के बाहमी ताल्लुक कैसे होने चाहिए और दोनों के दरमियान बाहम एतम और करीबी ताल्लुक की कैसी फजा है। हैज की हालत में औरत का बोसा लेना जायज है अन महमूना तरद अनहा अनहल

हार्मोनल चेंज की वजह से औरत के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती बसाव का छोटी छोटी बात पर नागवारी और दिल छोटा करना और आंसू बहाना इन दिनों में अमूमन बढ़ जाती है ऐसी कैफियत तो उसमें अगर उसको बिल्कुल ही एक तरफ फेंक दिया जाए तो इससे अज्दवाजी ताल्लुक जो है वो मुतासर हो सकते हैं यानी इस हालत में औरत सेहत की नस्बत बीमारी से करीब तर होती और जब भी कोई शख्स बीमारी की हालत में या बीमारी से करीब तर हो तो वो ज्यादा केयर अटेंशन और मोहब्बत का तलबगार होता है इसलिए इन हालात में औरत से बिल्कुल बेनियाज हो जाना बेपरवाह हो जाना उससे कोई ताल्लुक न रखना ये इस्लाम की तालीमत और स्पिरिट के खिलाफ है हाइजा से सोहबत करना मना है यानी इंटरकोर्स मना है لم ياكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسالونك عن المحيز قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيز الى اخر الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم स रजी अल्लाह से रिवायत है खाते न घर में रहते मसला दरियाफ्त किया तो अल्लाह ते आयत नाजिल फरमाई के लोग आप से है इसके बारे में दरियाफ्त करते हैं इनसे कह दीजिए वो एक बीमारी की हालत है लिहाजा इसमें औरतों से अलहदा रहे

فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله اني لم احج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه البخاري हजरत आयश रज्ला फरमाती हैं कि हम रसोल्ला सलाह वफ़ाकत में हज के इरादे से निकले मकाम पर एक जगह का नाम है मुझे हैज शुरू हो गया रसूल सल्लाम मेरे पास तशरीफ लाए मैं उस वक्त रो रही थी आपने पूछा क्या बात है मैंने अर्ज किया अगर मैं इस साल हज का इरादा न करती तो अच्छा था हजर सल्लाम ने फरमाया शायद तुम्हें हैज आया है मैंने अर्ज किया हाँ आपने फरमाया ये एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों के लिए लिख दी है लिहाजा जब तक पाक ना हो जाओ बेतुल्ला शरीफ का तवाफ ना करो बाकी सारे मनासे के हज अदा करती रहो इसे बुखारी ने रिवायत किया है बाकी मनासे के हज क्या है मसलन एहराम पहनना इसी तरह अरफात जाना मिना जाना कंकरियां मारना ये तमाम चीजें दुरुस्त हैं लेकिन तवाफ नहीं हो सकता शुरू में सही हो सकती थी लेकिन चूंकि अब वो मस्जिद का हिस्सा हो गई है इसलिए सही करना भी दुरुस्त नहीं हाइज़ा नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती यानी ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती तो अब कितनी चीजें मना हो गई तवाफ नमाज रोजा हैज शुरू होते ही रोजा खत्म हो जाता है खास सूरज गुरूब होने से एक लम्हा ही पहले क्यों ना आए है की वजह से रोजा खत्म होने के बाद खाना पीना जायज है अलबत् रोजा की कजा जरूरी है हाइजा के लिए रोजा की कजा है नमाज की नहीं हमारे यहां आमतौर पर यह ख्याल पाया जाता है ना कि अगर पीरियड्स आ भी जाए तो रोजा नहीं तोड़ना चाहिए और कुछ खाना पीना नहीं चाहिए उस दिन का हो जाता है यह ख्याल गलत है दूसरा यह कि ये कहा जाता है कि चलें अगर नहीं खाए पिएंगे तो रोजे का सवाब मिल जाएगा ऐसी भी कोई बात कहीं नहीं लिखी हुई जब रोजा हुआ ही नहीं तो स्वाब का मिला नापाक हालत में रोजा रखने का यह स्वभाव उल्टा गुनाह है यानी नापाकी में किसने रोजा रखने को कहा और जब रोजा ही नहीं तो खाना पीना क्यों हराम कर लिया अपने ऊपर ये दीन में खुद साख्ता पाबंदियां का एकदम शुगर लेवल डाउन हो जाता है या कोई और तकलीफ होती है दवा लेने की जरूरत होती है तो ऐसे में बेजा की पाबंदी के नहीं रोजा रखे चले जाओ जैसे आमतौर पर हमारे माशरे में ये चीज़ पाई जाती है नहीं। खुद्री काला, काला हजरत खुद्री कहते हैं कि नबी अक्रम सल्हल ने फरमाया क्या ऐसा नहीं कि जब औरत को है तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है औरतों के दिन में कमी की यही वजह है इसे बुखारी ने रिवायत किया है यानी बहरहाल जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उसका स्वाब तो नहीं ना ये अलग बात है कि वो एक माजूरी की हालत है तो ऐसे में इसको कम्पनसेट करने के लिए कोई जिक्र असक और तस्बीहात कसरत से करनी चाहिए इससे न सिर्फ ये की वो स्वाब का नुकसान पूरा होता है बल्कि जो डिप्रेशन की एक हालत आने लगती है उसका इजाला भी हो जाता है आजमा कर देख सकते हैं और नुकसान दीन हा के कई एक माने हैं ये जो अरबी लफ्स है ना नुकसान दीन। नुकसान अरबी में कमी को कहते हैं कुरान पाक में आपने पढ़ा ना वाला नबल नक्स उर्दू में कहते हैं खराबी को ठीक है ये मैं इसलिए यहाँ पर वाजे करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो इन अल्फाज का सही माना और रूह नहीं समझते वो बसा औकात औरतों को प्रोवोक करते हैं ये कहकर देखो इस्लाम ने तुम्हारे साथ कैसी ज्यादा की और इस्लाम में तो औरत को कोई हैसियत ही नहीं दी गई उसके दीन में भी नक्स बताया गया तो नक्स और नुकसान कमी के लिए है किसी ऐब और खराबी के लिए नहीं अब आप देखिए कि नमाज में तो कमी होती है लेकिन उस वक्त में जो एक तकलीफ की या अजीत की कैफियत होती है उसका सिला भी मिलता है क्यूँकी अल्लाह ताला ने लिख दिया ना ये तो जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आती है उस पर इंसान सब्र करे जैसे बाजू को पेन बहुत है या कोई और ऐसी कैफियत है तो ये ऐसे हालात में सब्र करना जो है वो अजर का सबब है अगर इधर से कमी हुई तो उधर से बढ़ भी गया अजर ठीक है दूसरी बात यह कि कमी से मुराद नमाजों की तादाद में कमी है जिसको आप बाद में आम हालात में नफल वगैरह पढ़ के भी पूरा कर सकते हैं या फिर ये कमी से मुराद इस एतबार से कमी भी है कि एक मसलन तहजद की रूटीन आप बनाते हैं। या नमाजों में खुशूख की रूटीन बनाते हैं एन अभी आप उस हालत में होते हैं कि नमाज छुट जाती है अब क्या हो गया ना सिर्फ ये कि वो चंद दिन नमाजों की कमी बल्कि दोबारा एक अच्छी हालत में आने के लिए दोबारा से नई आदत बनाने के लिए फिर एक मुश्किल पड़ जाती तो बाजात लोग नमाज ही छोड़ देते वो मुश्किल आदत पड़ने लगती है कि छुट्टी हो जाती है और छुट्टी होते ही फिर छुट्टी कर ली जाती है साथ ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां आपको छुट्टी दी जाती है तो आपकी तसली नहीं होती जब तक आप एक आध छुट्टी और साथ कर ना ले है? तो ये एक इंसानी नफस्यात भी है इससे फिर दीन में पीछे रहने का अंदेशा होता है ये बता के अलार्म किया गया है ना कि कोई ऐप बताना मकसूद है कि अगर आपको ये बताया जाए कि आपके बिजनेस में या फला चीज में कमी हो जाती है इस चीज से तो आप क्या सोचते हैं बिजनेस छोड़ दो काम ही छोड़ दो नहीं आप सोचते हैं अच्छा उस कमी को फिर और कहा से पूरा करूं किसी भी चीज में जब किसी भी चीज की कमी का सबब बनता है और उसको बताया जाता है ये कमी होने लगी है मसला अगर किसी को बताया जाए कि मार्केट में फुला प्रोडक्ट नई आ रही है जिसकी वजह से फला फुला की सेल पर असर पड़ जाएगा और एकदम कमी होगी बिजनेस डाउन होगा तो इंसान मायूस होके बैठ नहीं जाता बल्कि कुछ और स्ट्रगल शुरू करता है कि किसी और तरीके से कमी पूरी की जाए तो यहां भी जब यह बताया गया कि मैं नुकसान ने हाँ तो इसका मतलब यह है कि इस कमी को किसी और तरीके से पूरा किया जाए ये एक खैर भी हो सकती अच्छा नमाज ना पढ़ने का सबब क्या है या रोजा न रखने का या मस्जिद में न जाने का या हज के दौरान तवाफ न करने का तो इसमें आप देखिए कि तवाफ बहरहाल एक जिस्मानी मशक्कत का मुतकाजी होता है ऐसी हालत में बसा औकात एग्जर्शन करने से तकलीफ बढ़ जाती है सही की जहां रुख्सत गई उसके मतलब है कि लाजमी कर ले अगर किसी में हिम्मत है तो कर ले नहीं तो नहीं दूसरी बात यह है कि बसा औकात ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि पाक जगहों के अंदर नापाकी फैलने का अंदेशा होता है जिसे मस्जिद में बैठे रहने से मना किया गया गुजरने की बात और है लेकिन बैठना या फिर यह है कि तवाफ करना मसाजिद जो है ये इबादत की जगह है ठीक है ना बहुत से लोग इससे बड़ा एतराज करते हैं कि यह तो औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन है कि मस्जिद जा ही नहीं सकती इस हालत में ये तवाफ कर ही नहीं सकती तो आप देखिए कि मस्जिद हो या हरम हो ये किस लिए बनाया गया है इसके बनाए जाने की वजह क्या है इबादत की जाए तो जब इबादत ही नहीं करनी तो वहां जाने का मतलब क्या है पहली बात तो ये दूसरी बात यह है कि जरूरतन गुजरने से मना नहीं किया तीसरी बात यह है वहां पर किसी तरह की नजासत नापाकी के लगने का अंदेशा होता है ये नहीं कि औरत फोहड़ है कमकल है या जानबूझ के ऐसा कर रही है बाजों का हाथ अनकॉन्शियसली अनोइंगली और बगैर किसी ऐसी कमी के या कोताही के हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान के कंट्रोल या बस से बाहर हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में एहतियात लाजिम है कि इंसान अगर खुद इबादत नहीं कर रहा और जा बैठ के इबादत करने वालों की जगह भी खराब करके आ जाए तो ये किस जगह की नेकी है इसलिए रोका गया है और ये किसी डिस्क्रिमिनेशन की बिना पर नहीं है बल्कि बाकी लोगों का हक महफूज करने के लिए इस्लाम में जहां हर एक को आजादी दी गई है वहां वो आजादी इतनी लिमिट्स में है कि दूसरे की आजादी में खलल अंदाजी न हो हर एक के हुकूक भी रखे और फरज भी रखे शतर बे महार की तरह ऐसी आजादी नहीं कि आप जानवर खोल दो जिसको चाहे टकरे मारे अगर आपसे कोई पूछे क्यों आपने खोल रखे तो आपके मैं नहीं चाहता कि मेरा कुत्ता बंधा रहे मैं चाहता हूं कि आजाद रहे लेकिन आपका कुत्ता तो आजाद रहे मगर दूसरों की जान और जिसम महफूज रहे या ना रहे तो इस्लाम ऐसी आजादी नहीं देता कि जिससे दूसरों की आजादी में खलल पड़े या दूसरों की सहूलत में तंगी पड़े बहरहाल इसी तरह यह है कि रोजे से क्यों मना किया गया तो जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया कि यह हालत सेहत की निस्बत बीमारी से करीबतर होती है जब जिसम से मुस्तकिल तौर पर ब्लड निकल रहा हो तो इंसान को आम हालात से ज्यादा इनटेक की जरूरत होती है लिक्विड की शक्ल में कुछ खाने की शक्ल में तो ऐसे में अगर इंसान रोजा रख ले तो उससे औरत की सेहत पर असर पड़ सकता है तो ये एक सहूलत दी गई है कि इन दिनों में रोजा न रखे अगर कोई औरत रमजान में फजर की आज़ान से पहले हैज से पाक हो जाए और गुसल का वक्त ना हो तो पहले रोजा रख कर बाद में गुसल कर सकती लेकिन अगर आजान के बाद पाकी हुई है यानी बाद में भी स्पॉट लगा है और सूरज निकलने के बाद आप पाक हो रहे हैं और नहा रहे हैं और रोजा आप सुबह से रख चुके हैं तो वो रोजा नहीं होता अनबी अभी बकर अब्दुलरहमान कुं तो अना व अबी फब तुम आहू हता दखलना अला इशता रदी अल्लाह अनहा قالت اشهد على رسول الله ان كان لا جنبا من جماع غير احتلام

इसके बाद हम दोनों हजरत उम्म सली रजियाल तला की ख़िदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने भी ऐसा ही फरमाया इससे क्या पता चलता है हालत जनाबत में सहरी खाई जा सकती है अगरचे नमाज से पहले नहाना जरूरी है नमाज नहाय किया कपड़े पर हैस के खून का दाग लग जाए तो इतनी जगह धोकर उसी कपड़े पर नमाज अदा की जा सकती है मसलन जय नमाज को लग गया या किसी चादर पर लग गया या अपने पहने हुए कपड़े पर लग गया तो सिर्फ उस दाग को धो लिया जाए और बाकी कपड़े को वैसे ही पहनकर नमाज पढ़ ली जाए खा उसमें पसीना ही क्यों ना होना साफी रवाहुल बुखारी हजरत आयश रज्ला फरमाती है की जब हम में से किसी के कपड़े हैस के खून से आलूदा हो जाते तो गसल के बाद हम खून कपड़े से खुरश डालती फिर वो जगह पानी से धो डालती और सारे कपड़े पर पानी छिड़क कर उसमें नमाज पढ़ लेती बाजत क्लॉटिंग होती है ना तो इसलिए उसको खुरशने की बात की गई है और सिर्फ खुरचना काफी नहीं होता या मल के रगड़ के साफ करना काफी नहीं बल्कि उसको धोना जरूरी है जब स्पॉट वाली जगह धुल जाए दाग उतर जाए साफ हो जाए कपड़ा तो बाकी कपड़े पर क्या किया जाए पानी छिड़क कर धोने की जरूरत थी किस लिए छिड़क कर इसको फ्रेश करने के लिए नमाज पढ़ ली जाए अगर पानी इतना तो पहनकर नमाज पढ़ सकते इसे बुखारी ने रिवायत किया के लिए मस्जिद में ठहरना जायज नहीं अलबत् गुजर सकती हालत हज में नमाज को हाथ लगाना जाय नमाज पर बैठना जिक्र करना और तस्बिर और तहलील ने दुआ वगैरह करना जायज है बाजुकत लोग तस्वीर नहीं उठाते या जायनवाज नहीं उठाते तो ये बात नहीं। मुस्लिम हजरत आयश रज्ला से रवायत है की रसूल सलाम ने मुझे मस्जिद में जाय नमाज लाने का हुक्म दिया जाय नमाज देके मस्जिद आ जाओ मैंने अर्ज़ किया मैं तो हालत हैज में हूँ आप सलाम ने है, हैज तेरे हाथ में तो नहीं है। इसे, मुस्लिम ने किया है इसे क्या पता चलता है? कि जरूरत थोड़ी देर के लिए आके कोई चीज दे जाना ले जाना उठा रख लेना कोई फर्क नहीं पड़ता अनुमत उमिर न

क्योंकि बसा औकात मस्जिद के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईद के दिन इस्तेमाल होते हैं या किसी बड़ी गैदरिंग के मौके पर तो ऐसे में एक कोने में बैठ जाना उसमें हर्ज नहीं लेकिन मेन मुसल्ले वाली जगह पर आकर बैठना दुरुस्त नहीं जैसे बाहर के मुल्कों में इस्लामिक सेंटर्स जो हैं और मसाजिद ये साथ साथ होते हैं एक हॉल नमाज के लिए इस्तेमाल होता है बाकी जगह क्लासेस के लिए इस्तेमाल होती हैं या लाइब्रेरीज होती हैं या कम्युनिटी हॉल होता है तो उसमें वो जगह जिस पर दिन में पांच दफा नमाज जमात से होती हो वहां बस जाना मना है बाकी पूरी बिल्डिंग में ऊपर नीचे घूमना फिरना और बैठना दुरुस्त है ईद के मौके पर नमाज के लिए सबको निकलने का हुक्म दिया गया जिसमें हैज वाली और पर्दा नशीन औरतों को भी कहा गया कि निकले जो कभी नहीं निकलती वो भी निकले ताकि मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें अलबत् हैज वाली औरतें नमाज ना पढ़ें तो इससे क्या पता चलता है ईदगाह तक जाना वहां बैठना और दुआ में शरीक होना ऐसी औरतों के लिए भी जायज है हैस का खून न लगे तो हायजा के कपड़े पाक रहते हैं जिन्हें धोए बगैर नमाज पढ़ी जा सकती हायजा का दुपट्टा या चादर ओढ़कर दूसरी औरत नमाज पढ़ सकती अन ममोना तरद काना रसुल्लाफी मरतिन अलिया वो अलहीज मु हजरत ममूना रजीहाती है कि रसूल नमाज पढ़ते उस चादर का एक हिस्सा मुझ पर और एक हिस्सा आप पर होता और मैं हालत में होती इसे शेयर करते थे और उस वक्त जबकि हजरत ममूनाज की हालत में होती तो उससे क्या पता चलता है की ऐसा कपड़ा जो किसी हाजा औरत का हो उसमें नमाज अदा करना दुरुस्त है मसल बा ईद के मौके पर अच्छे कपड़े पहनते हैं ये किसी शादी वगैरह के मौके पर बाद में दोबारा उनको पहनने का मौका आता है तो उनको पहनकर नमाज भी अदा कर सकते हैं उसमें कोई हरज नहीं अब सिर्फ एक नजासत ना हो होज से पाकिजगी हासिल करने के बाद अगर खाकी यानी ब्राउन या यानी येलोश पानी खारिज हो तो दोबारा हसल करने की जरूरत नहीं अन उमे अतिया रवाह अबू अनहा फरमाती हैज से पाकिजगी हासिल करने के बाद खाकी या जर्द रंग के पानी को हम कोई अहमियत नहीं देती थी इसे अबू दाऊद ने रिवायत कियाम पर पाक हो गयी नहाई नमाज पढ़ी और फिर कुछ घंटे गुजरने के बाद यूँ मालूम है कि फिर हुआ की तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं अब दोबारा नहाने के लिए जहमत न करें हैज से पाकिदगी हासिल करने के लिए बेजा उजलत और बेजा तखीर दोनों से काम नहीं लेना चाहिए बेजा उजलत का क्या मतलब है कि अनड्यू जल्दी यानी है कब पाक होगी कहीं नमाज ना चली जाए कहीं रोजा ना चला जाए अच्छा नहा लिया फिर देखा कि अभी तो नहीं पाक हुए फिर नमाज छोड़ दी फिर रोजा तोड़ दिया फिर नहा लिए तो ये खेल नहीं बनाना चाहिए इसको इसी तरह बेजा तखीर के पाक भी हो चुके हैं लेकिन नहा नहीं रहे महज सुस्ती के मारे कि अच्छा एक दो नमाजें और छोड़ लें आराम कर लें तो ऐसा नहीं करना चाहिए गुस्ल हेज में ताखीर होने पर कजा नमाजे अदा करना चाहिए अगर किसी वजह से पानी खत्म है पानी नहीं है या कहीं सफर की हालत में है कि टाइम पे नहीं पहुंचे आप नहा सके या कोई वजह बन गई इन्हें जान बुझ के नहीं हो गया ऐसे तो फिर क्या है जब नहा चुके तो पिछली नमाज लौटाए कु खुतिन रसूल ला की सैयद आशा रजा के पास डिबिया में रुई रख कर भेजती जिसमे अभी कुछ जर्दी बाकी होती तो जता फरमाती जब तक साफ शफाफ पानी न देख लो उस वक्त तक तुहर तो हासिल करने के लिए जल्दी से काम न लिया करो यानी जब तक बिल्कुल साफ न हो जाए इंसान उस वक्त तक नहाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए

रवाहुल बुखारी हजर अब्दुल्ला नमाज पढ़े मुस्ताजा कौन होती? हैस के इलावा जो होती है बीमारी के तौर पर वो इस्तेजा कहलाती है इन सारा महीना स्पॉटिंग होती रहती तो उसमें क्या है की जो हैज के अयाम है जिनमें ब्लीडिंग फर्क हो जाती है थिकनेस है या उसकी और अलामत मालूम होती हैं या इस बीमारी के शुरू होने से पहले अया हैज की जो डेट्स थी या जो आदत थी उसके मुताबिक नहा ले और बाकी दिनों में नमाज पढ़ती रहे खा स्पॉटिंग होती है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मुस्तहाजा गुस्ल करके नमाज पढ़े खा उनकी एक घड़ी बाकी हो मसलन सूरज गरूब होने में पांच मिनट है और अब वो नहा कर निकली तो पढ़े असर जब औरत नमाज अदा कर चुके तो फिर शोहर अपनी बीवी से सोबत कर सकता है क्योंकि नमाज अफजल है इसे बुखारी ने रिवायत किया है हाजा पाकिजगी की हालत में जिस नमाज के अव्वल या आखिर वक्त में से एक मुकम्मल रकत अदा करने का वक्त पाले उस वक्त की कजा नमाज उसे अदा करनी चाहिए मसलन जहर की अजान हो चुकी आधा घंटा गुजर गया आप नमाज पढ़ने जा रहे थे पता चला पीरियड हो गए अब नमाज तो नहीं पढ़ सकते लेकिन चूंकि वक्त नमाज का दाखिल हो चुका था इसलिए ये नमाज आपकी जिम्मा हो गई अब जब आप पाक होंगे तो ये नमाज दोहराएंगे ये पता है आपको पहले से ये देखें अक्सरियत नहीं बोल रही है इससे अंदाजा करें कि हम अपने दीन के फराइज को किस हद तक जानते हैं और हमारे बड़ों ने हमको क्या बताया और अगर ऐसी बातें क्लास में की जाए तो फिर ये शर्म हया के खिलाफ देखें कि ये मसाइल पढ़ाए इसलिए जाते हैं कि इंसान फराइज में कोताही ना करे क्योंकि फराइज की पूछे क्या के दिन और इसी तरह अगर असर का वक्त मसलन खत्म होने से आधा घंटा पहले पाकी हासिल की, अब नहाने में मिनट मिनट लग गए, बाकी हैं और जितनी देर में मुसल्ला मगरिब की नमाज हो गई बाजू सर्दी होती है दरवाजे बंद करते जाए नमाज बिछाते करते टाइम हो जाता है इतने मज़ान होगी अब मगरिब पढ़ के क्या करे असर कजा पड़े अलैहि वसल्लम इजा सजाजी तुम सलाती

नमाज का अव्वल वक्त पाने से मुराद यह है कि अगर एक औरत सूरज गुरूब होने के इतनी देर बाद हायजा होती है कि नमाज मगरब की एक रकत अदा कर सके इसे हैज़ खत्म होने के बाद उस नमाज मगरब की कजा अदा करनी चाहिए आखिर वक्त पाने से मुराद यह है कि अगर एक औरत सूरज तुलू होने से इतनी देर पहले पाक होती है कि वो नमाज फजर की एक रकत पढ़ सके तो उसे वो नमाज फजर अदा करनी चाहिए यानी आखिरी वक्त में भी अगर एक रकत पढ़ने का वक्त हो तो समझे कि वक्त है कपड़े पर हैज़ का खून लग जाए तो उसे अच्छी तरह साफ करके उसी में नमाज पढ़ी जा सकती है कपड़े से हैज़ का खून साफ करने का तरीका यह है अन अस्मा बंत ابي بکر رضی اللہ عنہما قالت جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدان يصيب صوبها من دم الحيضه كيف تصنع به فقال تحطه ثم 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 بالماء تصلي فيه. متفق عليه. بنت असम बिनते अबी बकर रज्ला कहती हैं कि एक औरत नबी अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया अगर किसी के कपड़े पर है इसका खून लग जाए तो वो उसे कैसे साफ करे वसल्लम ने फरमाया पहले उसे अच्छी तरह खुरचे, फिर उसे पानी से मलकर धोए इसके बाद उस पर पानी छिड़के फिर उसमें नमाज पढ़ ले इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया याद रखिए कि उस जमाने में साबन और डिटर्जेंट्स वाफिर मकदार में नहीं होते थे तो आमतौर पर लोग कपड़ों के दाग उतारने के लिए या निजात दूर करने के लिए पानी ही का इस्तेमाल करते थे लेकिन जहाँ साबुन हो तो साबुन मला जा सकता है या कुछ और लेकिन जो कुछ भी इस्तेमाल करें निजास्त का जो असर है उसे इतना निकल जाना चाहिए कि उसके बाद जो पानी डाला जाए तो

इससे दरअसल औरत के हकूक को प्रोटेक्ट किया गया क्योंकि औरत इस हालत में बीमारी के ज्यादा करीब होती है सेहत की निस्बत और कई किस्म की मेडिकल कम्प्लिकेशन का भी इस्तेमाल हो सकता है दोनों के लिए इसलिए मना किया गया और सदका इसलिए रखा जाता है ताकि इंसान इस डर से के पैसे जाएंगे क्योंकि पैसे का जाना ज्यादा तकलीफ दे होता है बाजात या पेनल्टी या जुर्माना या फाइन कह लें तो इसलिए ये एक तरह से रोकने का सबब बनाया गया आज के मालूम नहीं हिसाब में कितना बनेगा मालूम कर ले अब्बास नबी सकालमन अहमरफ दीनारमन असरफ दिनारजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हाजा के खून की रंगत सुर्ख हो और उससे सोबत की जाए तो एक दिनार सदका है अगर खून की रंगत जर्द हो तो निस दिनार सदका है इसी तिरमिजी ने रिवायत किया है दिनार क्या है दो ग्राम हाइजा को मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करना मना है अलबत् एक, एक आयत तोड़कर पढ़ सकती है यानी बीच में सांस ले सकती है और ये हदीस नहीं है बहरहाल इब्राहिम नकई का है इब्राहिम कौल हैल बुखारी हजरत इब्राहिम नखी कहते हैं कि हाइजा कुरान मजीद की एक आयत पढ़ ले तो कोई हरज नहीं इसे बुखारी ने रिवायत किया है यानी इस मामले में उलमा और फुका के दरमियान इख्तिला है बास कहते हैं कि आयत में सांस ले ले बीच में कट्ठी ना पढ़े और बाज ये कहते हैं कि अगर पढ़ ले तो हरज कोई नहीं है क्योंकि किसी सही हदीस में मना नहीं किया गया एक रिवायत मिलती है मगर वो ज़यीफ है हायजा कुरान मजीद को हाथ ना लगाए अगर पकड़ना जरूरी है तो कपड़े से पकड़ना चाहिए यानी अरबिक टेक्स जो है उसको टच नहीं करें काना अबू वाहन रदी अल्लाह अनहर सिलु खादि वही यहा अबी रजीन फता बिलमुस तुम से कहू बेकती रवाहुल बुखारी हजरत अबूबा रजी अपनी खादिमा को हालत हैज में अबू रजी रजियाल के पास मजीद लाने के लिए भेजते और वो कुरान मजीद का नेफा पकड़कर यानी कपड़ा पकड़कर ला देती थी इसे बुखारी ने रिवायत किया है यानी गिलाफ से पकड़ लेती थी शहर की इजाजत से हैज लाने या हैज रोकने की अद्वियात इस्तेमाल करना जायज़ है

लेकिन एक बात इनको और भी लिखनी चाहिए थी और वो थी कि डॉक्टर का मशवरा भी इसलिए कि बाज लोगों को ऐसी टेबलेट का इस्तेमाल बहुत नुकसान देता है उनके सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है इसलिए खुद से खुद आम औरतों के मशवरे से कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ये फायदा और वो नुकसान हुआ ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए हर शख्स की जैसे आदत मुख्तलिफ होती है सिस्टम मुख्तलिफ होता है तो उसको इसके इस्तेमाल से पहले कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से क्योंकि खुद को नुकसान देना अपने निज़ाम को बदलना और उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करना दुरुस्त नहीं बसाओकात ऐसी कोई चीज बाद में कई कम्प्लिकेशन का जरिया बन जाती है और इंसान वक्ती तौर पर एक फायदा उठाने एवज़ बहुत सा इबादत में ही नुकसान कर लेता है बाज औरत हज वगैरह के मौके पर टेबलेट इस्तेमाल करती हैं और वो बेवक करती हैं कभी बीच में भूल जाती है कभी ब्लीडिंग होती है तो सही नहीं होती स्पॉटिंग होती है तो पूरा पूरा महीना फिर होती चली जाती है न वो मेन्सिस आते हैं न जाते हैं इसलिए ऐसा करने से पहले सारे हालात का जायजा लेना जरूरी है और शौहर की बात यहाँ इसलिए की गई है कि शौहर और बीवी का चूंकि एक बहुत करीबी ताल्लुक है दोनों का नफा नुकसान एक है घर एक है इसलिए किसी भी ऐसी चीज में जिसमें दोनों की बराबर की मसलहत हो खुद से ऐसे काम करना दुरुस्त नहीं क्योंकि इससे बसा औकात इख्तलाफा बढ़ते हैं और वो शदीद संगीन सूरत इख्तियार कर लेते हैं दौरान है बीवी को तलाक देना मना है अनबिब ने उमरा أنه طلق امرأته وهي حائد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيده ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعض وإن شاء طلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. رواه البخاري. حضرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दी हजरत उमर बिन खत्ताब ने इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला किया आपने फरमाया फरमायाब से कहो कि अपनी बीवी से रजू कर ले और हैज से पाक होने तक उसे अपने पास रखे फिर जब हैज आए और उससे पाक हो जाए तब चाहे तो सोहबत करने से पहले तलाक दे चाहे तो अपने पास रखे यही मतलब है अल्लाह ताला के इस हुक्म का कि औरतों को उनकी इद्दत पर तलाक दो इसे बुखारी ने रिवायत किया इससे क्या पता चलता है कि तलाक हो तो जाती है लेकिन हुक्म क्या है कि अगर ऐसा हो जाए तो रुजू किया जाए ठीक है क्यों इसलिए कि इस हालत में जैसे कि पहले भी मैंने अर्ज किया कि औरत फिजिकली भी अनफिट होती है और वैसे भी उसका मोरल डाउन हुआ होता है नफसियाती तौर पर स्पिरिचुअली भी वो बहुत लो फील करती है चिड़चिड़ापन भी मिजाज में बढ़ जाता है तो लड़ाई के इमकाना भी बढ़ जाते हैं ऐसे में शौहर को सोच समझ के जिंदगी के इस ताल्लुक के बारे में कोई फैसला करना चाहिए अवल तो मना किया गया और अगर कोई शख्स ये ऐसी गलती कर बैठे तो उसे क्या कहा गया कि वो रिजू करे